मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और ये मौका अब हाथ से निकल न जाए दोस्तों, ये मौका हाथ से निकल न जाए दोस्तों। और ये गिरावट क्यों हुई है, आइए हम इस वीडियो में बताते हैं। इतना मन मेरा गदगद हो रहा है दोस्तों, इतनी भारी गिरावट में मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। और ये किसके पिछवाड़े पे पड़ी है जिसके चलते बाय बाय कर रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी के चलते मेरा ये गला जो है वो सरक गया, सूख गया जी दोस्तों। आज गिरावट का संकेत साफ दे दिया और ये साबित हो गया कि शेयर मार्केट में कितने बड़े बड़े घड़ियाल, कितने बड़े बड़े मगरमच्छ और कितने बड़े बड़े क्रोकोडाइल हैं, जो जैसे ही नदी तालाब में शिकार को फेंका जाता है मुंह बाए रहते हैं, और जैसे शिकार गया हड्डी पसली मांस सहित सब डकार जाते हैं जी दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आज गिरावट का यही कारण है कि देश के नेता सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े खून चुसवा, जिसको बोलते हैं खून चुसवा, देश के सबसे बड़े खून चुसवा नेता हैं दोस्तों। और कौन नेता है, जो अपने आप को कहते हैं हम बैरिस्टर हैं, हम बैरिस्टर हैं, हम तो हीरे मोती और जोरात लाल, लाल जानते हैं दोस्तों किसको बोलते हैं, लाल, उस खिलौने से हमको प्लेटिनम के खिलौने से पैदा हुए, हम तो चांदी सोने के थाली में खाते हैं उससे पैदा हुए, हमको कौन क्या कर सकता है। और हैदराबादी भाईजान जी, हैदराबादी बिरयानी भी जल्दी अब गले में अटकने वाली, फंसने वाली दोस्तों। इसके भी बहुत सारे कंपनी हैं दोस्तों, जो आज ये कूद रहा है, फांद रहा है, जितने भी नेता कूद रहे हैं और जो उलूल जुलूल बे बोल रहे हैं, सभी के पिछवाड़े पे पड़ रही है दोस्तों। और हमने बोला था 3 महीना पहले ही कि ये नेता जो हैं इनकी तो पैंट खुल रही है दोस्तों, और पैंट जब खुलेगी तो ये पैंट नीचे जब जाएगी इनकी, तो पैंट दोनों हाथे पकड़ कर, वो देख रहे छोटे बच्चों की जब पैंट खुल जाती है, कोई मजाक करते हैं, कोई छोटे बच्चों को पैंट सरका देते हैं तो बच्चा कैसे पकड़ता है दोनों हाथ से, वो अपने उठाते उठाते ऐसे नेता उठाएंगे शेयर मार्केट में जो खेल करते थे, और जो हवाला का पैसे, 2 नंबर के पैसे, काला का काला धन, जो इधर का माल उधर और इधर का माल उधर करते थे, कंपनियां बनाते थे दोस्तों, कंपनी हमें कंपनी बनाए हुए फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीना हो गए दोस्तों। अभी 5 महीने में 1 रुपया का न सेल हुआ, अभी तो खर्चा हो रहा है, और कुछ 3 महीने में 2000 करोड़ का, अभी क्या, अभी तो 1500 करोड़ का एक और मामला आने वाला है दोस्तों। और ये 1500 करोड़ किसने खाया है, हैदराबादी है बिरयानी कि ये दिल्ली वाला दीन है कि मगन दीन है, ये कौन दीन है, ये कौन दीन है, ये तो बीन बजाए जा, बंजारा बीन बजाए जा, और ये बीन बज रही है दोस्तों, अब बीन बज रही है
और बीन बज रही है शेयर मार्केट में, किसका किसका खेल चलता था वो खेल अब मजा आएगा दोस्तों। और नए शेयरधारक जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये सब बेच कर निकल कर भाग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये सभी चोरों के पैसे थे। और ये जो कांड खेल जो हो रहा है, ये धर्म प्रधान और भाषा प्रधान और जाति प्रधान के नाम पे कुछ नहीं दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। ये तो एक कहावत है भोजपुरी में, रोए के रहनी अखिए खोदागर। एक था उसको रोना था, अब अचानक किसी ने उसकी आंख में लग गई तो ऑटोमेटिक आंसू आने लगा दोस्तों। तो वही है कि इनको एक बहाना चाहिए था और इस बहाने को लेकर सिर्फ और सिर्फ आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में आज़ादी के बाद किसी के पिछवाड़े पे पड़ा है और ईमानदारी की जो लाठी है जब बेईमानी के पिछवाड़े पे पड़ी है तो ये बाएं बाएं करना शुरू की है और अब ये त्राह त्राह कर रहे हैं और देश को चला देना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अरे स्टॉक मार्केट को बर्बाद करने वाले तेरी ऐसी की तैसी, विदेशों में बैठकर खेल करने वाले भारत के पैसे से, और ये खेल जनता समझ चुकी है। और अब तेरे पिछवाड़े पे कोड़े बनाकर और कोड़े में कटीले तार लगाकर दे दनादन दे दनादन दे दनादन समझ में आ जाएगा। और दोस्तों तैयार हो जाइए, कल तो अभी खेल बाकी है, अभी तो खेल बाकी है। कल कल शुक्रवार को जुम्मा और शेयर मार्केट लेगा किसका किसका चुम्मा। कल है जुम्मा और स्टॉक मार्केट किस किस नेताओं को लेगा चुम्मा, ये है आज की सबसे बड़ी राय। पैसा इकट्ठा कर लो, सुबह से ही बोल रहा हूँ, कल से मैं बोल रहा हूँ, कल से बोल रहा हूँ, आज सुबह से बोल रहा हूँ कि पैसा इकट्ठा कर लीजिए, कल अंतिम मौका माल को उठाना है और गोदाम में रखना है, क्योंकि कल है जुम्मा और स्टॉक मार्केट लेगा किसका किसका चुम्मा। जी दोस्तों आइए बता दें किसका किसका चुम्मा लेने वाला स्टॉक मार्केट। जी दोस्तों चुम्मा लेने वाला, चुम्मा एक बड़े नेताओं को चुम्मा ले रहा है, जिसके चलते उसके जितने भी इन्वेस्टमेंट है और जल्दी जल्दी निकल के आ जाओ भैया, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये धड़ाम 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 धड़ूम DIFI कंपनी तबाही, आपको मालूम नहीं है हड़कंप मचा हुआ है। रजिस्ट्रार पूरे देश के जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं और खंगाला जा रहा है कि ये 3 साल के अंदर कितनी कंपनियां बनी हैं और ये कौन कौन से कंपनी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में और कौन सा काम कर रहे हैं कौन सा काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इतना मज़ा आ रहा है कि हम क्या बताएं दोस्तों, मेरा गदन मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमें तो 10,000 करोड़ बनाना है दोस्तों और ये पैसा अब बन के रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा 10,000 करोड़ बनाने से, क्योंकि कल सारा कुछ बेच कर मैं स्टॉक मार्केट में 4-5 ऐसे स्टॉक आपको भी बताऊंगा दोस्तों, आपको भी बताने वाला हूं कि कौन कौन सा स्टॉक लेने वाला है। शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा 7 बजे और बताऊंगा, पूरे लिस्ट दिखा दूंगा कि देखो यही लिस्ट है और ये लिस्ट हमें लेना है और इसको रखना है, और जैसे 5,000 कंपाउंडिंग प्रॉफिट आएगा उसको लेकर रखना नहीं है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 312। तो ऐसे करके ये होता है कंपाउंडिंग प्रॉफिट, समझ गए।
नहीं समझे पिछला वीडियो जरूर देखिए, अगर नहीं समझे तो। गूंगे को बोलना, अंधे को देखना, बहरे को सुनना, लंगड़े को चलना सिखाने के लिए हम स्टॉक मार्केट में आए हैं। और यही जैसे चोरों को स्टॉक मार्केट में, जो कोर चोर कंपनी है, मैं लगातार बार बार करता हूँ दोस्तों, उसकी चर्चा भी नहीं आ रही है। अब तो यूट्यूब पे उसकी कंपनी के चर्चा भी नहीं आया, कोई वीडियो भी नहीं आ रहा है। चोर कंपनी की जी चर्चा हमने 3 महीना पहले शुरू किया था, सभी के सभी बंद होने वाले हैं और कितने लोगों का पैसा तो डूब जाएगा। पैसा डूबता नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उस ट्रांसफ़र होगा, से भी उसकी प्लानिंग कर रही होगी। लेकिन चोर कंपनियों से सावधान रहिए, एक भी रुपया नहीं लगाना। अगर उसका माल, उसका सामान आपकी आँखों से घर में, कम से कम घर में ज़रूर दिखे, घर से बाहर जाए तो ऑफिस में ज़रूर दिखे, घर में नहीं दिखे तो ऑफिस में दिखे, ऑफिस में नहीं दिखे तो बाज़ार में दिखे, बाज़ार में नहीं दिखे तो रेलवे स्टेशन पे दिखे, रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखे तो बस स्टैंड पे दिखे, बस स्टैंड में सिनेमा हॉल में कम से कम तो दिखना चाहिए। तो आपकी आँखों से कहीं ना कहीं 24 घंटे में एक बार आपकी आँखों से, आपकी नज़रों से उस कंपनी का नाम ज़रूर दिखना चाहिए जिसमें आप पैसा लगाते हैं या लगाना चाहते हैं। ये ज़िंदगी भर याद कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये सभी के सभी मुंह बाए घड़ियाल ब्रोकर, एडवाइज़र और बड़े स्क्रीन और ये नेता, 4 आदमी मिलकर और कंपनी बनाकर ये पूरा खेल नए शेयरधारकों को नींबू की तरह निचोड़ निचोड़ कर लूट लिया जाता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और देखते रहिए, फॉलो कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करिए, पिछला वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं जो बोलूँगा वही होगा, वही होगा, वही होगा और वही होता आ रहा है आज तक, आगे भी यही होगा।